स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। मेरे पति की मार इतनी जल्दी भूल गया? दोबारा पिटना चाहता है हम सबसे? मैं तो सिर्फ तेरे को चाहता है बस। अरे सही, मेरा ना सर बहुत दुख रहा है और मैं वो कहना ऐसा घोड़े पे आया ना खबड़ खबड़, तो मेरा पीठ भी दुख रहा है। तो एक काम कर, ऐसा झट से आ और मेरे को गले लग जा। मैं सच में बोलता है मेरा दर्द ना ऐसा निकल जाएगा। सम्राट, जैसे को ना गले में लगाया जाता है, एक एक गले में पट्टा डाल के पूरे मोहल्ले में घुमाया जाता है। ऐसे मेरे भाई ने घुमाया था, तो जो मेरी बहन है ना इसकी तरफ नजर उठा के देखने से पहले याद रखना कि उसका भाई अभी गंदा है। अगर ऐसा है ना तो पहले मैं तेरे को मारेगा और फिर उसके साथ शादी करेगा। सच में मार ना मार, लड़ाई कर परो गया ला। ए बाकी पीछे पीछे आए को संभालो। लड़ाई कर तू ए, ड्रेस खराब करता है मेरा। देख बड़े जवान, इस बार ना अलग है, पिछली बार की तरह नहीं। इस बार बंदूक है, लड़के लोग है, जगताप माने हैं और स्वतः खुद भाऊ विठ्ठल माने पण है फुल फॉर्म में। गप बाबा, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, मेरा सोनू बच्चा। बस अब अगर आपने अपना बोल बच्चन बंद नहीं किया ना तो सबका बोलती बंद कर देगा मैं हमेशा के लिए। यकीन नहीं होता पूछ लो सही से। धमकी नहीं देता मैं, सीधा ठोक देता है। तेवर तब क्यों नहीं दिखाए जब मेरे पति यहाँ पर थे? अब उनके पीठ के पीछे खुद को बड़े तीस मार खान समझ लो। वो काय को चाहिए इधर? मैं है ना इधर। और मेरे दिल के अंदर आग लगाने के लिए सिर्फ स्विच काफी है। मैं यहाँ से जाएगा नहीं, ये घर वैसे भी मेरा ही होने वाला है और तू मेरी होने वाली वाइफ। सही, इन गुंडों को इस घर से बाहर निकाल। अरे तू बन पड़ना। तो तेरा ना मैं बटन ही बंद करता है। लेकिन आप हमारी मदद करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उस जगताप ने मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई है। एसीबी साहब, ये 1 करोड़ है और मैं आपको पूरे 5 करोड़ देने को भी तैयार हूं। तो इस सब के बदले कुछ गिरवी वगैरह? अरे सर, अब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने बहुत सुना है चव्हाण खानदान के बारे में। मार्केट में ये भी खबर है कि चव्हाण की जुबान स्टैम्प पेपर से कम नहीं है। भाई सोच क्या रहे? अच्छा ऑफर है, ले ले। जट्टा छोड़ गागू को। काय को? मतलब ये बुड्ढी के बाल तेरे को इतना तकलीफ दे रही है और तू उसकी साइड ले रही? मैंने कहा छोड़ गागू को। तूने बोला ना मैं वही करेगा, अगर तू दिन को रात बोले तो मैं रात बोलेगा। ये ले भाई बुड्ढी के बाल, सही नहीं बोला है ना, इसलिए छोड़ा तेरे को। अगर तोंड बांध हंसे। क्या चाहिए तुझे? अभी मैं इतना रेडी होके आया, ऐसा दूल्हे जैसा सेहरा बन के आया, घोड़े पे है टक बक टक, मेरे को क्या चाहिए? मतलब मेरे को तू चाहिए भाई को। तुझे पता है? 1 मिनट रुक। ये देख, तुझे पता है ये मंगलसूत्र मैं कितने सालों से लेके घूम रहा है?
तेरे को पहली बार मैंने देखा था ना, तब से लेके घूम रहा है। ये निकाल, ये निकाल। तेरे को याद है मैंने तेरे को बोला था मेरा बाप जो है बहुत डेंजर है। ये जो तेरा जवान है ना, उसने मेरे बाप का भी ना सर घुमाया है ना। वो उस जवान का बैंड बाजा बारात कावड़ी ब्यूड़ी सब बजाएगा। गत्तकड़ 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 गनकड़ कतंग कनकड़ कतंग गनकड़ कतंग कनकड़ कतंग है ना बाबा, गनकड़ कतंग। होंगे तुम लोग बड़े और खतरनाक लोग, लेकिन सवान खानदान भी कोई ऐरा गैरा खानदान नहीं है। ये घर में तुम लोगों को नहीं लेने दूंगी। बहुत गर्मी है, है? ए, बहुत गर्मी है इस घर में। बिजली का बिल बिल नहीं भरते क्या तुम लोग? ओ सासू भाई, क्या चाहिए तुमको? घर चाहिए ना, ये ले लो। बस बदले में मेरे को मेरी बाइक को दे दो। ए, मैं तेरी सासू नहीं हूँ। अरे तो हो जाएगी ना, उसमें क्या है? देख कैसा है बुढ़ी के बाल। अब ये जो सही है, इसकी विदाई तो तुम लोग करोगे। उसकी मम्मी नहीं पापा को मैंने ऊपर भेज दिया, दोनों ऊपर। हाँ तो विदाई तुम लोग करोगे तो मैं कौन हुआ रिश्ते में? जा भाई, और तू सासू, ऐसा है? राजीव जी प्लीज, अभी नहीं। मेरे पति ने मोहल्ले भर के सामने तुझे सबक सिखाया, तू इतना बेशरम है कि फिर भी बाज नहीं आया। देख मैं बाज, चिड़िया, सांप सब कुछ है। तुझे पता है मेरे में ना बहुत रंग है। तू एक बार मेरे से शादी कर, मैं मेरे अंदर के जितने भी रंग है ना तेरे को सच में दिखाएगा, प्रॉमिस। ए कह रहे तू क्या किसी की भी घर की बहू के लिए कुछ भी बोलेगा क्या? सही, इस घर की बहू है ना, होगी ना फिर? तेरे को पता है क्या, ये जो है ना, ये पहले सही जगताप माने होने वाली थी, ये ससुर है। लेकिन ये जो तुम्हारा वो जवान है ना, वो बीच में आया और मेरे को रोक लिया, लेकिन इस बार नहीं। तेरे इस बार ना मैं आया है फुल तैयारी के साथ। ए जवान, तो ये सावले पीले मोटे पतले जितने भी जवान है ना, सुन लो, पर ना मैं सही से शादी करके हिच रहेगा भाई को। माजी सोच कर आए वीरू, ऑफर अच्छा है, ले ले यार। सही भाभी को बचाने का अभी कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा, ले ले यार। सर रख लीजिए। विराट सर, यू आर अंडर अरेस्ट। कदम तुम यहां? मिस्टर कामत ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की थी, आपने उनसे 1 करोड़ की रिश्वत मांगी है। क्या ये क्या कह रहा है मिस्टर कामत? इंस्पेक्टर साहब अरेस्ट कर लीजिए इसे, वो देखे रिश्वत के पैसे, इन्होंने मंगवाए थे मुझसे। झूठ कह रहा है ये, इसने खुद मुझसे कहा था कि आप यहाँ आइए, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये झूठ बोल रहे, इन्होंने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने 1 करोड़ नहीं दिया तो मेरा बिजनेस बंद करवा देंगे। भाई मैं इसे पर्सनली जानता था, तभी कांटेक्ट करके यहाँ बुलाया, मुझे नहीं पता था ये मिला भाई। कामत तुम कदम, ये तुम सर आप तो प्रोटोकॉल जानते हैं, आपको जो भी कहना है कोर्ट में कहिएगा, हमने आपको रंगे हाथों पकड़ा है, तुम्हारा आमच्या सोबत याव लागेल सर। You are under arrest, sir. क्या हुआ? चवन फोन नहीं उठा रहा? उठाएगा भी नहीं क्योंकि उसको डाला है जेल में, आवाज़ आ रहा है उधर।
नमस्कार, सिविल लाइन पुलिस स्टेशन। मैं सही विराट चव्हाण बोल रही हूँ। एसीपी विराट चव्हाण की बीवी। ओ, मी कदमस बोलतोय, बोला। कदम सर, विराट विराट है वहाँ पर। ओ हाय विराट, लेकिन लेकिन क्या कदम सर? सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। प्लीज घबराना मत, इन लोगों ने मुझे रिश्वत लेने के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया है। क्या विराट, आप पर रिश्वत लेने का इल्जाम कौन लगा सकता है? रिश्वत? आप चिंता मत कीजिए, मैं आ रही हूँ, मैं अभी आ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आई अभी आई अभी ये डेगा, इधर भी जाने नहीं देगा तेरे को मैं। अभी शादी है अपना, 2 मिनट में अपना शादी है। बाबा लग्न करून टाको। स्वस्ति श्री, इधर आना। स्वस्ति श्री। ओए चवान, अगर इसके सफेद कुर्ते पर दाग लगेगा तो इसे फर्क पड़ेगा। अपनी इमेज संभालनी होती है ना तुम लोगों को। ये लीजिए, मुझ पे वीडियो बनाइए। ए, जो उकाड़ना है उकाड़, निकाल, वीडियो निकालना है ना निकाल। ये देखिए, भाऊ विट्ठल माने गढ़चिरौली के मशहूर राजनेता, इनका काम है जनता की सेवा करना और ये यहाँ मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। हमारी जिंदगी नरक बना दी है इन्होंने और ये इंसान अपने इस गुंडे बेटे के साथ मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहता है। ए, बंद कर। नहीं, क्यों बंद कर? वीडियो बंद कर। अरे बोले ना, क्या बोल रहे? देखिए क्या है, बंद कर वीडियो। चट्टा। अरे पापा इनको मत। तू भी कुछ नहीं बोलेगा। ए, वीडियो डिलीट कर इसका। चल बाबा, मैं चल, अभी चल, मैं आएगा वापस। कुछ भी हो जाए साला, तेरे से शादी करेगा। और तू दादा रहने दीजिए। आओ डिलीट कर दिया वीडियो में। मानसी आई। दादा आप और पाखी दीदी मानसी बुआ को हॉस्पिटल लेके जाइए, मैं फिर बस पुलिस स्टेशन जाती हूँ। नहीं नहीं दादा, वहीनी के साथ पुलिस स्टेशन आप जाइए, मैं पत्र लेकर वहीनी के साथ मानसी बो को लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। हाँ सम्राट, तुम सही के साथ जाओ, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। चलो सही। विराट, 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 सही मुसीबतें बढ़ती ही जा रही है। काश उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती विराट, और मैं अपनी इंटर्नशिप जाती ही नहीं। अपने फर्ज के लिए उठाए किसी भी कदम पर कभी पछतावा नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरे अतीत का डरावना साया, मेरे आने वाले कल, मेरे आज, सबको बर्बाद करने पर तुला है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ विराट, मैं उसे हमारी हस्ती खेलती जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। तुम एक योद्धा हो सही, मैं भी हूं। हार मानना ना तुमने सीखा है ना मैंने। ये जंग हम दोनों मिलकर जीतेंगे। विराट को बेल नहीं मिल सकती, जानता था मैं। मुझे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वो बिजनेसमैन
श्रीकांत कामठ झूठ बोल रहा है। उसने मुझे उस विट्ठल माने के कहने पर धोखे से फंसा है, लेकिन यहाँ जेल में रहते हुए कैसे साबित करूं यार? कैसा कानून है? हमारे देश का सच को सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए होता है, और आप अंदर हैं तो क्या हुआ? मैं तो बाहर हूं ना, मैं आपकी बेगुनाही का सबूत लेकर आऊंगी और मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूंगी। उस जगताप और विट्ठल माने से तुम अकेले नहीं लड़ सकती। सही, अकेली नहीं है शिवा, राजीवा और इसका दादा है इसके साथ। मैं जानता हूं कि इस वक्त हर तरफ से हम पे वार हो रहे हैं, लेकिन तू ये मत भूल कि काली से काली रात के बाद भी सवेरा जरूर होता है। और ये सवेरा जिस उम्मीद के किरण से होगा ना, वो तू है जीवा। मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। मैं भी। डार्लिंग, मैंने सोचा तेरा छावा जेल में, तेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा होगा ना अकेला अकेला, तो मैंने कुछ बोला कि अरे जगता वो तो तेरा होने वाला भाई को है, तो उसका ऐसा जो फीलिंग है अकेलेपन का वो तू वहीं दूर करे, इसलिए मैं आ गया इधर डायरेक्ट। तू अंदर कैसे आया और तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? तेरे को ना बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तुमने देखा ही क्या है? तू इतना गंदा है ना कि तुझे छूके ना कीचड़ भी मैली हो जाए। ठीक, कीचड़ का तो पता नहीं, लेकिन अब ना मैं तेरे को तो छुएगा। छूने देना, मेरे को भी देखना है कितनी मैली है। वैसे एक बात बोलूं मैं, कमल कीचड़ में ही गिलता है ना। मामी 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 आप लोग होंगे, अंधेरा बहुत बड़े आता हूँ। ये सही की आवाज है? सही तू काय को आ रहा है चवन? चल बाहर चल, कड़ी लगा। ये मेरे को बहुत मारा है, मार डालेगा तुम लोग का। ये मेरे को बहुत मारा है, तुम लोग को मार। बोला था बहन, Ah, ba!
पैर बछेगा मेरे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.